इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 1 अप्रैल के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1935 में भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। वहीं 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। देश दुनिया के इतिहास में 1 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1582 में फ्रांस में 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। 1793 में आज ही के दिन जापान में उनसेन नाम का ज्वालामुखी फटने की वजह से करीब 53,000 लोगों की जान चली गई थी। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राण कृष्णा पारिजा का जन्म आज ही के दिन 1819 में हुआ था। आज ही के दिन 1839 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 20 बिस्तर के साथ शुरू किया गया था। 1878 में आज ही के दिन कोलकाता में बनी संग्रहालय की नई इमारत को जनता के लिए खोला गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बालीराम हेडगेवार का जन्म आज ही के दिन 1889 में हुआ था। आज ही के दिन 1891 में फ्रांस की राजधानी पेरिस और ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बीच दूरभाष संपर्क शुरू हुआ था। प्रगतिशील कापधारा के प्रमुख कवि एवं लेखक केदारनाथ अग्रवाल का जन्म आज ही के दिन 1911 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध एथलीट फौजा सिंह का जन्म आज ही के दिन 1911 में हुआ था। आज ही के दिन 1912 में भारत की राजधानी को औपचारिक रूप से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 1935 में आज ही के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया था। इसके लिए अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 कानून बनाया था। हिंदी सिनेमा की 60 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री जबीन जलील का जन्म आज ही के दिन 1936 में हुआ था। आज ही के दिन 1936 में ओडिशा को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति रहे मोहम्मद हामिद अंसारी का जन्म आज ही के दिन 1937 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी अजीत वाडेकर का जन्म आज ही के दिन 1941 में हुआ था। आज ही के दिन 1969 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र के तारापुर क्षेत्र में शुरू हुआ था। 1973 में आज ही के दिन भारत के कार्बेट नेशनल पार्क में चीतों को बचाने के लिए टाइगर बचाओ अभियान चलाया गया था। आज ही के दिन 1976 में टेलीविजन के लिए एक पृथक निगम की स्थापना की गई जिसे दूरदर्शन नाम दिया गया था। 1976 में आज ही के दिन स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मुरली विजय का जन्म आज ही के दिन 1984 में हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर के युग की शुरुआत करने वाले हेनरी एडवर्ट रॉबर्ट्स का निधन आज ही के दिन 2010 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कैलाश वाजपेयी का निधन आज ही के दिन 2015 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।